Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistant. Dear students, exams 2021 के हवाले से बहुत important update आपके साथ share करनी है. Students बहुत ज़्यादा upset हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि उनके compulsory subjects की marking किस तरह से की जाएगी. अगर वो किसी elective subject में fail हो जाते हैं तो क्या वो compulsory subject में भी fail होंगे. इस सब का क्या criteria set किया गया है, किस हिसाब से उनकी markings की जाएंगी. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताने लगी हूँ तमाम बातें आपके एग्जाम्स के हवाले से कि क्या फेलियर और पासिंग क्राइटेरिया है, साथ ही साथ कितने पासिंग मार्क्स हैं, कि क्या परसेंटेज है, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है, तमाम बातें इन डिटेल डिस्कस करूंगी. पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि क्या अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दो सब्जेक्ट यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट में भी फेल होंगे. तो इस हवाले से मिनिस्टर्स की तरफ से, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है. केपी के बोर्ड की तरफ से जो अनाउंसमेंट सामने आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट FBISC की तरफ से सामने आई है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, और पंजाब बोर्ड का इस हवाले से क्या कहना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूंगी. सबसे पहले बात कर लेते हैं केपी के बोर्ड की. तो केपी के बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि अगर 9th या 11th में बच्चा किसी भी एक भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर पास होता है तो वो तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पास करार दे दिया जाएगा. यानी कि अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में, किसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में या किसी दो इलेक्टिव सब्जेक्ट में वो पास है तो वो बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, तमाम सब्जेक्ट्स में पास होगा, और सिर्फ जिस इलेक्टिव सब्जेक्ट में वो फेल होता है सिर्फ उसी का उसको पेपर दोबारा देना होगा. क्लियर है ये बात, आगे चलते हैं. इसी तरह से FBISC की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होता है तो जस्ट वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री एग्जाम देगा, ना कि उससे जुड़ा हुआ कंपल्सरी सब्जेक्ट का. कंपल्सरी सब्जेक्ट में वो पास हो जाएगा लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट में जिसमें उसके मार्क्स कम होंगे वो उसको इम्प्रूव कर सकता है और उसका एग्जाम दे सकता है दोबारा. यानी कि जिस सब्जेक्ट में फेल होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के उसने पेपर्स देने होंगे. पिछले दिनों में ये कुछ न्यूज चल रही थी, कुछ अफवाहें चल रही थी कि अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाते तो इसका मतलब है कि वो दो सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, और ग्रेड 10th और 12th के हवाले से ये था कि एक में फेल मतलब चार में सब फेल. तो इन न्यूज के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आएंगे, सिर्फ वही सब्जेक्ट का आपको दोबारा पेपर देना होगा, ना कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी. कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको पास कर दिया जाएगा. और इसके अलावा एक और बात मैं बताती चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार स्किप करने का सोच रहे हैं एग्जाम्स. 9th और 11th के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार एग्जाम्स को स्किप करने का सोच रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे. इसके दो रीजन है. पहला रीजन ये कि अगर आप एग्जाम स्किप करते हैं और सप्लीमेंट्री एग्जाम दैट इज राउंड 2 एग्जाम्स में देते हैं तो उसके बाद आपके पास इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं होगा. दूसरी बात ये कि अभी अगर आप एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं तो पहली चीज तो ये कि इंशाल्लाह मार्किंग बहुत अच्छी की जाएगी इस बार. दूसरी बात ये कि अगर अल्लाह ना करे आपके पास कम आते भी हैं तो आपके पास अगेन चांस है, आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में, राउंड 2 एग्जाम्स में अपेयर होके उन पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं. इसलिए बिल्कुल भी ये गलती ना करें. आई सजेस्ट यू कि एग्जाम्स लाजमी दें और बिल्कुल भी एग्जाम्स को स्किप ना करें. अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की कि क्या पासिंग क्राइटेरिया है आपके एग्जाम्स के लिए. तो जो सब्जेक्ट्स के 75 मार्क्स हैं उसमें से 25 वाला पास है, और जो सब्जेक्ट्स के 50 मार्क्स हैं उसमें 17 मार्क्स वाला पास है. दैट इज इट बिकम्स टोटल 33% ऑलमोस्ट. होप सो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, और स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो रियल और ऑथेंटिक मीन्स के साथ आप तक पहुंचती रहे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. अल्लाह हाफिज.